अल्पसंख्यकों के हक की बात अगर कोई करता है तो उससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। कि आरएसएस के जो नेता हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो जो है अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। पूरा पुरजोर विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा, सिर्फ संसद के अंदर नहीं सड़कों पर भी इसका पूरा विरोध होगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हम लोग तो अंग्रेज है ही, हम लोग तो देश विरोधी लोग हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेता हैं, सभी पहले से बता रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा और भाजपा हारेगी और भाजपा का जो तांडव है वो भी समाप्त हो जाएगा। और जितने बार बिहार आएंगे या जितना बार देश के अनेक हिस्सों में घूमेंगे उससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। और आज के पहले उनको इंडिया जीतेगा कहने में कोई गुरेज नहीं था, जोर जोर से दोनों हाथ उठा कर कहते इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। उससे पूछ लीजिए कि स्वर्ग वाला राज कहाँ है, वहीं उछले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई फंसा हुआ मामला नहीं, सब मामला निकल जाएगा। आने दीजिए समय, सीटों के बंटवारा समय से पहले हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये दिल्ली में जो लोग बैठे लोग हैं उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, देश की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी नहीं है, ये तो आरएसएस का एजेंडा है और आरएसएस के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। सांसद के सत्र बुलाया है उन्होंने, कुछ भी फैसला ले सकते हैं इसका, लेकिन पूरा पुरजोर विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा, सिर्फ संसद के अंदर नहीं सड़कों पर भी इसका पूरा विरोध होगा। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यानी कि आरएसएस के एजेंडे पर आपको विशेषता क्यों बताया गया है? आप लोग कांग्रेस बता रहा है बीजेपी, आप लोग कांग्रेस बता रहा है बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि तो ठीक बता रहे हैं। हम लोग तो अंग्रेज है ही, हम लोग तो देश विरोधी लोग हैं। देश की जब आज़ादी मिल रही थी तो देश की आज़ादी में ये भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता वहाँ मौजूद थे जो देश की आज़ादी लेने में संघर्ष कर रहे थे? तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। आरएसएस थी, आरएसएस के नेताओं ने, हमने नहीं कहा, सरदार पटेल ने कहा है कि आरएसएस के जो नेता हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, वो जो है अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे। और आज अमृत महोत्सव देश में मना रहे हैं, मनाए अच्छी बात है, लेकिन ये उनको बताना चाहिए कि आरएसएस के कौन नेता भारत को आज़ाद कराने में, जब हमारे नौजवान, हमारे देश के सभी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग को कहीं अता पता नहीं था। और इनके गुलबर्कर ने अपने किताब में लिखा है, लिखा क्या है कि अगर पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों के हक की बात अगर कोई करता है तो उससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। इसका मतलब यह है कि आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और देश के लिए जो कुर्बानी दे रहे थे, देश के लिए जो लड़ रहे थे, उनके खिलाफ बड़ी साजिश ये लोग कर रहे थे, ये सरदार पटेल ने कहा है। हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पहले से संदेह व्यक्त कर रहे हैं। और जितने इंडिया गठबंधन के सभी नेता हैं, सभी पहले से बता रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। अब बताइए
इंडिया के जगह भारत हो, भारत के जगह इंडिया, इससे इनको क्या वास्ता है। जिसको पसंद है इंडिया कहता है, जिसको पसंद है भारत कहता है। तो भारत कहने में हम लोग कोई थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उनको इंडिया कहने में दिक्कत हो रही है। यानी जब से इंडिया इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, ऐलान हुआ है, तब से इनके मन में बेचैनी पैदा हो गया है। तो ये बेचैनी इनकी दूर तभी होगी जब ये 2024 में इनको देश की जनता देश की गद्दी से मुक्त कर देगी, तब इनकी बेचैनी दूर होगी। लेकिन इनको बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके दिल में बैठ गया है इंडिया, वो इंडिया रहेगा, इंडिया जीतेगा, और भाजपा हारेगी, और भाजपा का जो तांडव है वो भी समाप्त हो जाएगा। साहब जो घूम रहे हैं ना, उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। पूरे देश की जनता उनको जान गई है कि ये जुमलाबाज लोग हैं, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। और जितने बार बिहार आएंगे या जितना बार देश के अनेक हिस्सों में घूमेंगे, उससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। और जो कुछ भी बचा हुआ घूमने के बाद उनका बिल्कुल साफ हो जाएगा। संविधान बदलने वाले लोग हैं, जिसकी शंका हम सबके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी से लेकर इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, सब लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये संविधान बदलना चाहते हैं। अभी तो इनको इंटरेस्ट दिख रहा है भारत कहने में, और आज के पहले उनको इंडिया जीतेगा कहने में कोई गुरेज नहीं था। जोर जोर से दोनों हाथ उठा करते इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। अब क्या हो गया, दो ही महीने में इंडिया के बारे में उनकी सोच क्यों बदल गई, ये देश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री जी हमेशा बैठक करते रहते हैं, कोई नई बैठक थोड़ी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ये सब रूटीन वर्क में मानते हैं, अपने विधायकों से मिलना, अपने सांसदों से मिलना, अपने पार्टी के पदाधिकारियों से मिलता, हमेशा मिलते रहते, कोई नई बात नहीं है। जिस दिन अनाउंस होगा चुनाव, उस दिन हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे, आ इंडिया गठबंधन में लड़ेंगे, और एक के खिलाफ एक उम्मीदवार देके लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे। कोई फंसा हुआ मामला नहीं, सब मामला निकल जाएगा, आने दीजिए समय। सीटों के बंटवारा समय से पहले हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग शायद भुला जाते हैं, और हम लोग को कभी कभी याद कराना पड़ता है, लेकिन ज्यादा बात तो आप ही लोग याद कराते हैं। नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार, उनकी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, और सभी धर्मों को के जो स्थली है, और बिहार में जो सभ्यता संस्कृति से जुड़े स्थल है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे जो भी हमारा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ राज्य में जगह है, उसको एक एक करके डेवलप करने का काम, विकास करने का काम, संरक्षित करने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सभी धर्मों के साथ समान हमारा सम्मान है। लेकिन आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि बिहार में तो गुंडा राज है, आप के क्षेत्र के हैं, तो उनसे पूछ लीजिए कि स्वर्ग वाला राज कहाँ है, वहीं उचले जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। या स्वर्ग का राज का क्या फॉर्मूला है, कैसे स्वर्ग राज बन सकता है, अगर उनके पास कोई विजन है, कोई सोच है, तो बिहार की जनता को बताएं, उन्हीं के स्वर्ग वाले रास्ते पर हम लोग चल पड़ेंगे।